हे यार मेरे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, और बढ़िया होने भी चाहिए। तो मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। कुछ बंदे जो है मैंने कमेंट पढ़े थे, तो कुछ भाई कह रहे थे कि भाई टेक्निकल वालों के लिए आईटीआई के नंबर लगेंगे कि नहीं। तो वो टेक्निकल वालों के लिए है, वो जीडी के लिए नहीं है। जो बंदे टेक्निकल वाले जो भर्ती भरेंगे 10 प्लस 2 और साथ में आईटीआई चाहिए टेक्निकल वालों के लिए। मतलब ये समझ लो कि जो वो रहे ना 20 अंक और 30 अंक, तो समझ लो भी एक प्रकार का कोटा है वो आपका, मतलब कोटा लगेगा आपको। भाई कमेंट पड़ा था, मैंने भाई ने लिखा था कि आर्मी के लिए स्टडी जो अब आप करते हैं। एक भाई का मैंने कमेंट पढ़ा था, भाई ने लिखा था कि आर्मी के लिए जो स्टडी करते हैं बंदे, भाई उसकी एक वीडियो बनाओ। तो भाई मैं स्टडी करता नहीं हूँ आर्मी के लिए, मैं अपना एक प्राइवेट काम करता हूँ बिजली का। तो मैं ये कह दूं कि ऑनलाइन क्लासेस आप वहाँ से मटेरियल ले सकते हो, भाई वहीं से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मटेरियल है वो दिनेश भाई के पास है। दिनेश भाई ट्रेनिंग में गए हैं, तो उन्होंने मेरे पास मटेरियल वगैरह कुछ नहीं दिए, जो उन्होंने नोटिस वगैरह बनाए हुए हैं अपने। तो जो उनके पास मटेरियल था वो मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता। तो यही कह रहा हूँ कि जो बुक्स वगैरह बताई उन्होंने, उनको पढ़ो जाके, और साथ में ऑनलाइन क्लास लगाओ। आपके नज़दीक कोचिंग सेंटर है तो भाई कोचिंग लो वहाँ पे जाके, यही कह सकता हूँ। तो एक भाई ने पूछा था कि वो जो कोटा है वो सिर्फ टेक्निकल या जीडी मिलेगा। तो भाई वो जीडी वालों के लिए नहीं मिलेगा, वो मिलेगा टेक्निकल वालों के लिए, जो आईटीआई की है उन्होंने टेक्निकल की भर्ती भरी है, तो भाई उनके लिए फ़ायदा है वो। तो एक और बंदे ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, तो भाई मैंने कह दिया कि टेक्निकल वालों को मिलेगा, जीडी वालों को नहीं मिलेगा शायद से। तो एक बंदे ने पूछा था कि भाई आसाम की कट ऑफ गिनी जाती है। तो भाई मेरे तो, मैं तो हिमाचल का हूँ और मैं हूँ मंडी से, तो मेरे को तो मंडी एआरओ का पता था कि इस बार जो मेरिट 180 प्लस गई है। तो भाई आसाम का भाई मेरे को नहीं पता, पर हाँ वहीं से पता लग जाएगा, जो बंदों का टेस्ट गया था उनसे पता लग जाएगा कि भाई कितनी कट ऑफ गई उनकी, क्या है उसी हिसाब से मेरिट पूछ लो भाई वहाँ जाके। तो साथ में एक भाई ने और पूछा है, भाई अगर आपके दांत में बीच होगी तो मैं क्या मेडिकल अनफिट होगा? तो भाई ऐसा तो मैंने देखा नहीं कुछ भी, पर हाँ आपको पता है कि आपके दांतों में बीच है तो भाई जाके तार वगैरह लगा दो, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनको दांत जो पूरे चाहिए होते हैं, अगर सड़े वगैरह है तो उस दांत को उखाड़ के जो है, मतलब या नहीं उखाड़ो मत उस दांत को, फिलिंग कराओ जाके, और कुछ नहीं है, फिलिंग कराओ। दांत पूरे चाहिए होते हैं, बीच में कोई गैप वगैरह नहीं चाहिए होता ना, मतलब चल ही पड़ते हैं ऐसे ऐसे। टेढ़े मेढ़े का कोई इशू देखा नहीं मैंने अभी तक। हाँ जिसकी किस्मत में नहीं होगा भाई, तो समझ लो कि आप छोटे छोटे पॉइंट से भी रह जाते हो, कोई यही कह सकता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि भाई जा मेहनत करो भाई, अब जो है ना भाई बिल्कुल मोटे टफ हो गया है, मैं बता रहा हूँ मोटे टफ हो गया अब जो है भर्ती के लिए। मैं यही एकेडमी के तो भाई 4-5 बंदे हैं अभी तक वहाँ, पर हाँ मतलब बंदे कोचिंग ले रहे हैं, मतलब टेस्ट निकालने की पड़ी है उनको। उसके बाद मेरे को 2-3 महीने जो आपको मिलेंगे रनिंग करने के लिए, तो उसके बाद मेरे को लगता है आपका ग्राउंड वगैरह होगा, मतलब टेस्ट के बाद जो बंदे क्वालिफाई कर देंगे टेस्ट, उसके बाद उनकी रनिंग होगी। मतलब आपको टाइम मिलेगा, मतलब 2 या 1.5 महीने तो मिलेंगे आपको रनिंग करने के लिए। तो भाई फुल फोकस जो आप पढ़ाई की तरफ दो तगड़े तरीके से, अगर आपको है आपकी भाई इच्छा, मैं भर्ती होना ही है, मतलब होना ही है जो मर्जी हो जाए, तो भाई पढ़ो, यही कह सकता हूँ। भाई जिन जो है लाइफ बदलने में भाई टाइम लगता है, तो भाई तो और कुछ भाई को प्रॉब्लम वगैरह है, मतलब कुछ दिक्कतें वगैरह है तो भाई कमेंट करो। मैं हर एक बंदे को जो है कमेंट पढ़ता हूँ और उनको लाइक करता हूँ, तो उनके हेल्प कर सकता हूँ मैं, है मेरे पास थोड़ी मोटी जानकारी आपको बताने के लिए। तो भाई बताना कि वीडियो कैसी बनी है, अच्छी बनी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।